यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से भिड़ गए। उन्होंने सवाल का जवाब दे रहे सुरेश खन्ना की भाषा पर सवाल उठाया। उन्होंने सुरेश खन्ना पर तंज कसते हुए कहा कि अगर दिल्ली वाले ना आए होते तो जमानत जब्त हो जाती। जीतने का घमंड दिखाते हो। अखिलेश यादव जब सुरेश खन्ना पर यह टिप्पणी कर रहे थे तब सुरेश खन्ना के बगल में सीएम योगी भी बैठे हुए थे। दरअसल सुभाषा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर FIR दर्ज करने को लेकर हो रही बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से भिड़ गए। उन्होंने सवाल का जवाब दे रहे खन्ना की भाषा पर सवाल उठाया। इस दौरान अखिलेश यादव ने ओपी राजभर के सवाल पर जवाब दे रहे सुरेश खन्ना से कहा कि राजभर पहले बीजेपी के साथ थे, अब हमारे साथ थे, उनसे दुश्मनी ना निकाली जाए। इस पर खन्ना ने कहा कि वह इस बात को दिमाग से निकाल दे। अखिलेश इस जवाब पर भड़क गए और बोले कि यह संसदीय कार्य मंत्री की कैसी भाषा है, अगर दिल्ली वाले ना आए होते तो इनकी जमानत जब्त हो जाती। मैं जानता हूं आप लोग कैसे जीते हो। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी के कई लोग बेईमानी से जीते हैं। वहीं प्राइमरी स्कूल के बच्चों की ड्रेस को लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बहस हो गई। दोनों के बीच ड्रेस की क्वालिटी और सही नाप को लेकर वित्त मंत्री सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बच्चों की ड्रेस का पैसा सीधे उनके खाते में भेजे जाने के बारे में बता रहे थे। उसी समय नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपनी जगह पर खड़े होकर सवाल उठाया कि सरकार ने बच्चों की ड्रेस का बजट इतना कम क्यों रखा है। अखिलेश यादव ने पूछा कि वह जगह बता दीजिए जहां 1100 रुपए में दो ड्रेस मिल जाते हों। उन्होंने कहा कि आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आप 1000 रुपए वाली ड्रेस बच्चों को क्यों नहीं खरीदवा रहे हैं। बता दें कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों की ड्रेस के मामले को विधानसभा में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने उठाया था। उन्होंने DBT के माध्यम से बच्चों को दी जाने वाली राशि के अपर्याप्त होने की बात कही। बोली कि हर बच्चे को 1100 रुपए दिए जाते हैं, यह राशि बिल्कुल अपर्याप्त है। इसके बाद इस मुद्दे को अखिलेश यादव ने भी उठाया।